हेलो, माई सेल्फ साहिल शेख एंड आई एम इन एसोसिएट विद जूम क्रिकेट। और मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो अरुणाचल प्रदेश के रन मशीन हैं। वेलकम राहुल सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच एंड एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? सब बढ़िया। और आपसे स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही जाएंगे। सो मैं जानना चाहता हूँ, हाउ डिड योर क्रिकेटिंग करियर बिगन और किस तरीके से आपने स्टार्ट किया? इट गोज बैक अ लॉन्ग टाइम, मतलब 20 साल पहले। ओके मेरा एक फ्रेंड था स्कूल में, सो हम साथ में क्रिकेट खेलते थे स्कूल में। व्हेन आई वाज 9, तो एक दिन उसने मुझे बोला कि तेरे घर के पास ना एक एकेडमी है, तो अच्छा तू वहां ज्वाइन कर। सो दैट्स आई वेंट देयर, आई जॉइंड द एकेडमी एंड इट्स कॉल्ड विजय यादव क्रिकेट एकेडमी। एंड तो वहीं से मेरी सारी क्रिकेट जर्नी शुरू हुई और अभी भी मैं उन्हीं के साथ हूँ। अब उनका नाम चेंज हो गया, लेकिन द क्रिकेट गुरुकुल, बट 20 लॉन्ग ईयर्स। और जब मैं पहली बार वहां गया तो मुझे पता था कि हाँ, मुझे यही करना है। ग्रेट, क्योंकि बहुत हार्ड है चूज करना। इंडिया में सब लोग ही क्रिकेट खेल रहे हैं सब और लोग ही क्रिकेट खेलते हैं। जहाँ यस जहाँ पे आप पहुँचे हैं, इट्स अ बिग 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 कॉम्प्लीमेंट के हर किसी के बस की बात नहीं है। 130 करोड़ लोग, हर किसी के हाथ में बैट पड़ी है एंड टू रिप्रेजेंट स्टेट एंड इंडियन क्रिकेट बहुत टफ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ये कर रहे हो सक्सेसफुली। उसके बाद थैंक यू सो मच। अच्छा इट्स जी, बीन अ टफ जर्नी, रोलर श्योर कोस्टर इट राइड। इज, श्योर इट इज। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस भी देखे और आपकी बैटिंग स्टाइल्स देखी, प्लस आपके कुछ इंटरव्यूज भी मुझे मिले, वो भी देखे, तो बहुत इंस्पायरिंग है जिस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी भी आप जिस तरीके से खेल रहे हैं। आपके नॉक्स देखना तो मज़े आ जाते हैं। थैंक यू। और बस आपकी मेरी मम्मी यही कहती हैं कि जब आप बैटिंग करो तो देखने वाले को मजा आना चाहिए, मज़ा आता है, श्योर, और तो वो मज़ा एक आता बार। भी है। कहा जाता है दैट कंसिस्टेंसी इज़ द की एंड यू हैव बीन रियली कंसिस्टेंट फॉर योर टीम अरुणाचल प्रदेश। और आपने पिछले जो रणजी ट्रॉफी 2019-20 सीजन में 1340 रन मारे, जो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है। रन स्कोर किया है आपने एक सीजन में वीवीएस लक्ष्मण से जस्ट 75 रन शॉर्ट, तो पहले तो बधाई आपको। एंड मुझे भी बुरा लगा, मुझे ऐसा लगा था टूट जाना चाहिए था, बहुत पुराना रिकॉर्ड है। तो आप बहुत उसके बारे में क्या रिकॉर्ड कहना चाहते हैं? है। यही लगा था कि अब इतना क्लोज पहुंच गए हैं तो एक रिकॉर्ड बनाना ही चाहिए था, बट आई फॉर श्योर, एम हैप्पी वेयर आई हैव रीच्ड। एंड जितना भी जो भी रन स्कोर हो, आई एम हैप्पी एंड कंटेंट विद दैट। जस्ट दैट अगली बार जब भी खेलेंगे, अभी अगर रणजी होती है तो वो टारगेट एक है दिमाग में के वापिस स्टक हो गया था क्या? नहीं आ रही थी आवाज। नहीं, आपकी आवाज़ कट गई वापस से। हाँ, येलो अच्छा जोन में चला गया आपका नेटवर्क। हाँ, वहाँ पे इंग्लैंड में प्रॉब्लम तो है नेटवर्क का। भेजना इंग्लैंड अंबानी को भेजना पड़ेगा वहाँ पे भी। पड़ेगा, रिलायंस लगवाओ। तो आप अभी इंग्लैंड में हैं, तो इंग्लैंड के बारे में बताइए, क्या डिफरेंस हो जाता है पिच को लेके, जो इंडिया में पिचेस रहती है और जो इंग्लैंड पिचेस रहती है? हमने देखा अभी WTC भी हुआ वहाँ पे, तो आपके हिसाब से व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस जो पिचेस के ऊपर आता है और बॉलर्स को जो बेनिफिट मिलता है वहाँ पे? एक तो वेदर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया में समर्स और धूप होती है, इट्स हॉट, और इतना इतना ना इतनी ठंड होती है, और बारिश भी इतनी नहीं होती है, बारिशों में हम खेलते नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैच से 2 दिन पहले बारिश भी हो रही होती है, उसके बाद अगले दिन मैच होता है, तो फिर मैच कराते हैं वो। करवा देते सो हैं। एक तो विकेट्स, हाँ, तो विकेट्स सॉफ्ट होती हैं, थोड़ी ग्रीन एंड सॉफ्ट, बहुत हेल्प करती हैं फास्ट बॉलर्स को, बिकॉज कंडीशंस ऐसी होती हैं। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम्स ओवरकास्ट कंडीशन रहती हैं, तो बॉल अच्छा चलता है। बाकी फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प रहती है यहाँ पे, और बॉल पुरानी भी नहीं होती जल्दी से, बॉल पुरानी नहीं होती तो स्पिनर्स भी
नहीं आते हैं, तो इट इज मोस्टली फास्ट बॉलर्स पैराडाइज है, और जो अच्छे से अगर आप बॉल शाइन करके बना के रखते हो तो बॉल अच्छा चलता है। तो यहाँ पे आके इट्स अ बिग लर्निंग कर्व, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके यहाँ खेल रहे हो तो यू गेटिंग यूज टू द स्विंगिंग कंडीशंस, और फिर इट विल हेल्प मी, मैं वापस आऊंगा इंडिया। एंड सो फास्ट बॉलर्स गेम को मेरा इम्प्रूव होगा, एंड बाकी या स्विंग को टैकल करने के लिए देर इज नो बेटर प्लेस टू प्रैक्टिस देन इन इंग्लैंड। ग्रेट। तो अभी आप किस क्लब के लिए खेल रहे हैं, आप बता सकते हैं? हाँ, अभी मैं टोरंटो क्रिकेट क्लब के लिए खेल रहा हूँ, ग्रेट। एंड कॉर्नवॉल में है, इट्स डाउन साउथ, सो कॉर्नवॉल प्रीमियर लीग एंड टोरंटो क्रिकेट क्लब। चलिए, ऑल द बेस्ट। वहाँ पे भी एक आधा रिकॉर्ड तो बना के आएंगे आप, बनाना चाहिए, जरूरी बनाना चाहिए, ज़रूरी है। एक है। क्विक रैपिड फायर के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे नॉक्स हैं आपके, मिजोरम के सामने हो गया, नागालैंड के सामने हो गया, मैंने तो बहुत देखा है। आप बताइए जो आपके 5 बेस्ट नॉक्स आपको लगते हैं, आप उसको रेट करना चाहेंगे। मेरे 5 बेस्ट नॉक्स, मेरा फेवरेट, मेरा पर्सनल फेवरेट है मेरी फर्स्ट रणजी 100 अगेंस्ट बड़ौदा व्हेन आई वाज प्लेइंग फॉर हरियाणा लाली में, बिकॉज़ फर्स्ट 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 क्लास 100 इज ऑलवेज स्पेशल, तो वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। सो दैट इज माय बेस्ट नॉक इन इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फर्स्ट वो है। सेकंड अगर मुझे रेट करना होगा तो आई विल रेट द मिजोरम 100, बिकॉज बहुत टाइम बाद वो 100 आया था, एंड फर्स्ट फॉर अरुणाचल प्रदेश एज वेल, तो वो भी अच्छी फीलिंग दैट वाज आल्सो बिग, यस, वो भी बहुत अच्छी फीलिंग थी कि हाँ, आई कम हियर एज अ प्रोफेशनल एंड गेटिंग द फर्स्ट 100 इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद द कॉन्फिडेंस गोज अप एंड अप। थर्ड वुड बी अगेन एस बिहार, मैं स्कोर 290। उस टाइम पे बीच में एक टाइम पे मुझे लग रहा था कि यार मैं अराउंड 60 पे था, और हमारे 6 6 6 प्लेयर आउट हुए थे, तो उस टाइम पे हाँ मुझे लग रहा था यार अच्छा मौका था, लेकिन लग नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा। तो फिर मेरी पार्टनरशिप हुई हमारे कैप्टन सोमटाचो के साथ, तो मैं पहुंचता 90, अराउंड 90 के आसपास। उसके बाद फिर हमारे एक ऑलराउंडर है राकेश, तो उसके उनके साथ मेरी पार्टनरशिप हुई, 75 रन की पार्टनरशिप थी, उनमें से उसने एक भी रन नहीं बनाया, सो दैट इज ऑल्सो वर्ल्ड या रिकॉर्ड। वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये मैं बस पढ़ के बहुत अमेज हुआ था मैं कि एक ही साइड से, एक ही एंड से रन बनाने, वो भी इतने ज्यादा अमेजिंग। हाँ, तो जैसे वो इनिंग्स का पेस जो चला 60 पे था, मैं मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ ज्यादा रन बनेंगे, और उसके बाद वहां से 190 बनाने, सो वो जो इनिंग्स पेस हुई वो इट इज इट हैज टू बी वन ऑफ द फॉन्डेस्ट मेमोरीज फॉर मी। एंड मैं अपने जिनके साथ मेरी पार्टनरशिप हुई, सॉन्ग काचो और राकेश, उनको आई वाज वेरी वेरी हैप्पी दैट दे कुड स्टिक अराउंड एंड यू नो जस्ट हेल्प अस टू गेट अ बिग टोटल। उसके बाद लास्ट ईयर विजय हजारे में अगेंस्ट असम, आई स्कोर माय फर्स्ट लिस्ट 100, तो ये अभी रिसेंटली, इससे पहले पिछले साल जब मैं अरुणाचल के लिए फर्स्ट ईयर खेल रहा था, तो आई हैड स्कोर 650s, बट वो 100 नहीं आ रहा था, सो फर्स्ट विजय हजारे आफ्टर फर्स्ट विजय हजारे दिस ईयर अगेंस्ट असम, एंड आई स्कोर 100 नॉट आउट, सो वो भी बहुत दैट वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी क्लोज मोमेंट्स टू माय हार्ट। तो ये वाला विजय हजारा तो ज्यादा टफ रहा होगा बायो बबल की वजह से, राइट? हाँ, बहुत ये पहला जो T20 था वो भी वो ज्यादा टफ था, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम हम सब आ रहे थे बायो बबल में, और कुछ करने को नहीं है, 10 दिन यू हैव टू स्टे इनसाइड, और जस्ट कोई कांटेक्ट नहीं है क्रिकेट से, आप अपने रूम में बैठे हो, बाहर नहीं जा रहे हो, इट टेक्स अ लॉट मेंटली। बट उसके बाद जब हम विजय हजारे में आए, सो वी न्यू व्हाट वी नीडेड टू डू और कैसे क्या होना है, तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर थे, बट इट इज वेरी टफ, द बायो बबल लाइफ इज वेरी टफ, एंड हाँ
hats off to these people who've been playing IPLs in Indian team, that they've been traveling so much. In the bio bubbles, it's very difficult. So more rapid fire tha, but humne brief question and answer kar diya. Second big question pe jaate hain. One of the smartest bowler you have ever played. Kiske samne aapne khela aur aapko laga ya wah kya bowler hai? Vinay Kumar. Vinay Kumar. So one of the rivalries koi team se ya fir koi player se jiske against aap jaise aap bowler ho gaya ya fir koi team ho gaya jiske aapko samne against khelne ko bahut maza aata hai. सामने खेलने में मजा आता है उड़ीसा के अगेंस्ट, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट काफी स्कोर करा है. कर्नाटक के SCA एक टूर्नामेंट होता था जहाँ हरियाणा की टीम से आते थे, तो उधर मजा आता था. बट जो राइवलरी है वो छत्तीसगढ़ के अगेंस्ट T20 में थी. लेग स्पिन बॉल डाल रहा था तो वो थर्ड मैन पे खड़ा था, कहता कि सामने नहीं मारेगा तुझे छक्का, टेंशन मत ले. एंड देन वेरी नेक्स्ट बॉल आई हिट हिम फॉर 6. मैं उसे देख रहा था तो वो अच्छा था. ग्रेट. मजा आप बैट के बारे में, आपका बैट कितना हैवी है और वो हैवी है तो क्यों है, बहुत लोगों के सवाल. नहीं, मेरा बैट ज्यादा हैवी नहीं होता है, अराउंड 1140 से 60 के बीच में. और क्योंकि मुझे कट और पुल खेलना पसंद है तो लाइट वेट इज बेटर. ओके ग्रेट. और कोई ऐसा बॉलर जिसे आपने अभी तक फेस नहीं किया, यू वांटेड टू फेस बट आप कर नहीं पाए, फ्यूचर में आप चाहोगे उनको फेस करना? हाँ, हमारा T20 था लास्ट ईयर हैदराबाद के अगेंस्ट, तो मोहम्मद सिराज खेल रहे थे, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई उनके सामने बैटिंग करने की. ओके. और आई वुड लाइक टू प्ले अगेंस्ट हिम, जब से उन्होंने इतना, इज वन ऑफ द सेंसेशंस ऑफ इंडियन क्रिकेट नाउ. नो डाउट. वन ऑफ द टफेस्ट विकेट यू हैव एवर प्लेड? दैट्स इजी, लाली. लाली. आपके टीम के काम आई हो, आपको करियर पे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ हो, और आपके हिसाब से बेस्ट कौन सी गई होगी? मेरे हिसाब से बेस्ट जो टीम के काम आई है वो नागालैंड के अगेंस्ट 267 बनाया था मैंने, फर्स्ट सेकंड ओवर 100 नॉट आउट. 350 की लीड थी उनके पास, हमें 1.5 दिन बैटिंग करनी थी, कोई चांस लग नहीं रहा था कि सरवाइव करेंगे. बॉल स्क्वायर घूम रहा था, नीचे रह रहा था, तो वो इनिंग्स एक हमेशा याद रहेगी. दैट सेव द मैच फॉर द टीम एंड बैटेड फॉर द टीम एंड big score. And what are the future plans of Rahul Dalal? आप क्या आगे सोच रहे हैं? आगे जो near recent है वो I want to play for IPL, to represent an IPL franchise. Okay. And उसके बाद जो सबका dream होता है, जो अब हम cricket खेलना start करते हैं, Indian team, the blue jersey, the white jersey, तो that is the dream. But the near future, I would like to play for an IPL franchise. One favorite franchise you have? आप खेलना चाहें जिसके लिए? आपकी pick कौन सी रहेगी? मेरी pick RCB, because Virat and AB de Villiers, two of my favorite players. They've just changed the way how cricket is, right? Batting, cricket is done now. Yes. देखने के लिए बस. हाँ. ग्रेट. बहुत कुछ मिलेगा सीखने कौन से. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सही है. और अभी जो WTC गया, ये पर्सनल एक क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ नहीं था बट मैं आपको पूछना चाहूँगा. WTC जो अपना वर्ल्ड कप गया टेस्ट का, उसमें आपको क्या लगता है कि इंडिया किस तरीके से क्या कहाँ पे लैग कर गई जिसका बेनिफिट न्यूजीलैंड को मिला, आपका पर्सनल? मुझे ऐसा लगता है कि मैच स्टार्ट होने से पहले ही विराट वाज इन फेवर ऑफ प्लेइंग टू स्पिनर्स, बिकॉज उनको लग रहा था कि बॉल टर्न होगा. उससे बेटर मुझे लगता है कि एक फास्ट बॉलर खिला सकते थे, एक बैट्समैन खिला सकते थे आप, क्योंकि बारिश थी और ये जरूरी नहीं था कि जैसे एक्सटेंडेड डे हुआ तो जरूरी नहीं था कि एक दिन और अगर बारिश हो जाती तो फिर 4 दिन का मैच हो जाता. स्पिनर्स का काम इतना आता नहीं, ऑल्सो ओवरकास्ट कंडीशन थी तो
थोड़ा मुश्किल था। अगर आप खाली अश्विन को ही खिलाते क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स थे उनके पास, तो आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शन ऑप्शन या एक बैटिंग प्योर बैट्समैन या प्योर फास्ट बॉलर खिला सकते थे मेरे हिसाब से। नथिंग अगेंस्ट जडेजा, वो ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स नाउ, यू कैन नॉट जस्ट लीव हिम आउट, बट व्हेन दे से दैट कंट्री कम्स फर्स्ट देन आई थॉट दैट लुकिंग एट द सिचुएशन ऑफ द गेम एंड द कंडीशंस एंड द वेदर एंड एवरीथिंग वी कुड हैव नॉट प्लेड टू स्पिनर्स एंड जस्ट गॉन अहेड विद वन स्पिनर एंड या तो आप एक बैट्समैन बढ़ाओ या फिर एक आप फास्ट बॉलर बढ़ाओ। आई थिंक थैंक यू वेरी मच, इट वॉज ग्रेट टू हैव यू, मजे आ गए मुझे तो। थैंक यू सो मच, ऑल द मच बेस्ट फॉर योर इंग्लैंड टूर, आपका टूर अच्छा जाए एंड होपफुली इन IPL एंड इन इंडियन सर्किट सून, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, या थैंक यू।